जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता। बॉलीवुड के बब्बर शेर सनी देओल की गदर 2, वही बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की OMG 2, तो सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर, इन तीनों ही फिल्मों को सिनेमा घरों में तीसरा हफ्ता चल रहा और ये फिल्में तीसरे हफ्ते में भी करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। वही इस हफ्ते रिलीज हुई पंजाबी फिल्म मस्ताने और बॉलीवुड की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने भी कर ली है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पाँचों ही फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिले थे आयुष्मान खुराना, बताना चाहेंगे दोस्तों फिल्म ने वीकेंड में तो अच्छी खासी कमाई की, साथ ही साथ इस फिल्म का चौथे दिन यानी कि मंडे का जो होल्ड है वो भी काफी अच्छा बना हुआ है। अगर बात करें फिल्म के डे वाइज कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 10 करोड़ 69 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी और दूसरे दिन 14 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए थे। वही दोस्तों तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 16 करोड़ 70 लाख रुपए का रहा। बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले दिन के मुकाबले 30 से 35% ड्रॉप हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ड्रीम गर्ल 2 अपने चौथे दिन इंडिया से कलेक्शन 6 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है और इसी के साथ ड्रीम गर्ल 2 का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 47 करोड़ 91 लाख रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 57 करोड़ 50 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए हैं और इसी के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 67 करोड़ 67 करोड़ का हो चुका है। बता दें दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए है, उस हिसाब से देखे जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। वही दोस्तों अगर बात करें पंजाबी फिल्म मस्ताने के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को भी सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 4 दिन। बता दें दोस्तों फिल्म का बजट तो काफी कम है लेकिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से होश उड़ा देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मस्ताने फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 40 लाख रुपए का किया था, तो दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग 3 करोड़ रुपए का रहा। वही दोस्तों फिल्म ने तीसरे दिन 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए, तो ये फिल्म आज यानी कि अपने चौथे दिन भी लगभग 2 करोड़ की कमाई कर रही है और इसी के साथ मस्ताने फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 14 करोड़ 10 लाख रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से इंडिया से ज्यादा कलेक्शन किया और फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों मस्ताने फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 30 करोड़ 60 लाख रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, पंजाबी फिल्म मस्ताने 4 दिनों में दुनिया भर के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों अब अगर बात करें थलाइवा रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि रजनीकांत सर की फिल्म जेलर ने क्या पता क्या खा लिया है, मतलब कि फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त तीसरा हफ्ता चल रहा है और तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म जिस तरह का कलेक्शन कर रही है उससे देखकर लग रहा है कि ये मूवी रजनीकांत सर की ही फिल्म रोबोट 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। हालांकि दोस्तों बात करें जेलर के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई जेलर फिल्म जिसका बजट था 200 करोड़ रुपए। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 15 दिनों में ही दुनिया भर से 582 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की थी। वही 16वें दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 6 करोड़ 3 लाख रुपए रहा था, तो 17वें दिन 8 करोड़ 36 लाख रुपए, वही 18वें दिन 9 करोड़ 14 लाख रुपए। वही दोस्तों जेलर फिल्म अपने 19वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है और इसी के साथ फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 609 करोड़ 68 लाख रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, जेलर फिल्म दुनिया भर
भर में 609 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म आने वाले एकाध हफ्ते और चल सकती है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के पास अब तीसरे हफ्ते में स्क्रीन तो काफी कम बची है, साथ ही साथ इस वक्त फिल्म को जो शोज है वो भी काफी कम मिल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि OMG 2 के साथ में ही गदर 2 रिलीज हुई थी और इस हफ्ते आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 भी रिलीज हुई और उस फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते ही अब OMG 2 के पास स्क्रीन और शोज दोनों कम हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म का कंटेंट अच्छा है, ऑडियंस फिल्म को पसंद कर रही, इसी के चलते फिल्म कम स्क्रीन पर भी तीसरे हफ्ते में अच्छा खासा कलेक्शन करती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें OMG 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 ने शुरुआती 15 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 128 करोड़ 97 लाख रुपए का किया था, वही 16वें दिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए, तो 17वें दिन 3 करोड़ 80 लाख रुपए, वही दोस्तों ये फिल्म अपने 18वें दिन भी लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रही है। और इसी के साथ दोस्तों OMG 2 का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 138 करोड़ 12 लाख रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 164 करोड़ 50 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए हैं और इसी के साथ OMG 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 197 करोड़ का हो चुका है। बता दें दोस्तों आने वाले एक दो दिनों में फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड मार्केट में पार कर देगी। वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर अंत में बात करें 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही फिल्म गदर 2 के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर गदर 2 की जो कमाई है वो सबको हैरान कर रही है। मतलब कि यार कोई भी फिल्म के हाइप होती है तो वो फिल्म शुरुआती एक आध दो हफ्ते में अच्छा खासा कलेक्शन करके तीसरे हफ्ते में दम तोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर गदर 2 है जिसका तीसरा हफ्ता चल रहा है, फिर भी इस फिल्म के कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे और कहीं ना कहीं यहां पर गदर 2 के कलेक्शन देखकर बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड के फाइनली सनी देओल ने एक अच्छा खासा कमबैक कर लिया और अब उम्मीद करते हैं कि गदर 2 के सक्सेस के बाद उनके आने वाली बाप फिल्म भी ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती जाए, क्योंकि दोस्तों हम सब 90s के बच्चे हैं। हालांकि आप में से सब 90s के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जो जो 90s के बच्चे उन्हें पता है कि सनी देओल का क्या हो रहा था और उस वक्त सनी देओल कितने बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने कम फिल्में की, ठंडी फिल्में की, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर उन्हें बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली गदर 2 से फिर से सनी देओल बॉक्स ऑफिस का ताज अपने सर पर पहन चुके हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर उनकी सभी फिल्में मासी और एंटरटेनिंग रही तो आने वाले समय में भी ऐसे ही सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर देते रहेंगे। हालांकि दोस्तों आप बात करें गदर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो गदर 2 ने भी शुरुआती 15 दिनों में 426 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे, वही 16वें दिन 13 करोड़ 75 लाख रुपए, तो 17वें दिन 17 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों गदर 2 अपने 18वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है और इसी के साथ गदर 2 का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 462 करोड़ 85 लाख रुपए का हो चुका है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 552 करोड़ रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 57 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ गदर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 609 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, यह फिल्म आज दुनिया भर में 609 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। हालांकि देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में फिल्म का जो कलेक्शन है और कहां तक जाता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन किसी भी हालत में वर्ल्ड वाइड मार्केट में 700 करोड़ रुपए होके रहेगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है गदर 2 लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।